हाय फ्रेंड्स, आज मेरे पास में है सैमसंग का J2 स्मार्टफोन जिसका पैटर्न लॉक लगा हुआ है। इसका लॉक हमें पता नहीं है, आज मैं आपको बताऊंगा कि इसका लॉक कैसे रिमूव करते हैं। ठीक है, सबसे पहले फ़ोन को ऑफ कर लेंगे, तो से इसका बटन जो है स्लो काम करता है, ये वाला पावर बटन, इसको प्रेस किए रहेंगे और पावर ऑफ कर देंगे पहले। ठीक है, जब पूरी फुल्ली पावर ऑफ हो गया ये, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये ऊपर वाला वॉल्यूम की ये और ये तीनों को एक साथ प्रेस करेंगे। ध्यान रहे, तीनों को एक साथ प्रेस करना है। तीनों एक साथ प्रेस है, ऐसे ही प्रेस किए हुए रहेंगे जब तक ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा। ये ऑप्शन आएगा छोड़ देंगे। ठीक है, फ़ोन को फ़ोन में दिख रहा है इंस्टॉलिंग सिस्टम अपडेट, ये हमको रिकवरी ऑप्शन में ले जाएगा। रिकवरी ऑप्शन में, रिकवरी मोड में फ़ोन को ले जा रहा है। थोड़ा सा वेट करें, नो कमांड दिया, क्या करना है सिंपली खुद ब खुद ये आ जाता है। इसमें ऑप्शन देता है दोस्तों, देख लो, रिबूट सिस्टम, रिबूट, अप्लाई अपडेट फॉर्म ADB। आपको कुछ नहीं करना है, ये नीचे वाला जो डाउन बटन है इससे नीचे लाना है, इसको स्क्रॉल कर ये टिप करके और वाइप डाटा फैक्ट्री रिसेट पे ले जाके पावर बटन को क्लिक कर देना है। ठीक है, स्लो काम करता है, मैंने पहले ही इसका बताया है आपको। ठीक है, इसके बाद फिर इसको नीचे लाएंगे वॉल्यूम डाउन से, यस वाला ऑप्शन पे, और इसमें बताता है यस डिलीट ऑल यूजर डाटा, यानी कि फ़ोन में जितना भी डाटा है, नंबर वगैरह, फोटो वोटो, सारा कुछ डिलीट हो जाएगा, वीडियो वगैरह सब कुछ। यहाँ से इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे इस वाला बटन से। अब लिख रहा है वाइपिंग डाटा, फॉर्मेटिंग चेस हो चुका है, मतलब डाटा वाइप कंप्लीट लिख रहा है, यानी कि मेरा फॉर्मेट कंप्लीट हो चुका है। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट रिबूट सिस्टम आया ऑप्शन, ये बटन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, फ़ोन अब वापस से खुलेगा, फ़ोन को खुलने तक इंतज़ार करेंगे, फ़ोन ऑटोमेटिकली खुल जाएगा ये कुछ देर में। ये सारा कुछ हो गया हुआ है, अब रिबूट जा रहा है फ़ोन, यानी कि फ़ोन अब जो है ना ऑन हो रहा है। ये देखिए, खुलने में थोड़ा सा समय लेता है, थोड़ा सा वेट कर लेना। और फोन खुलने के बाद क्या होता है कि गूगल अकाउंट जो होता है ना, गूगल अकाउंट वो अटक जाता है, यानी कि गूगल अकाउंट पे जा करके फोन कभी कभी फंस जाता है। तो वैसे सिचुएशन में क्या करना है हमें, मैं ऊपर में आई बटन के पास में एक लिंक दे दूंगा अपने वीडियो का, जिसमें इसका FRE बाईपास किया हूँ, उस पर जाके आप पूरी फुल वीडियो देख लेना, वो भी क्लियर हो जाएगा आपका। रीसेट करने के बाद कभी कभी होता है, अगर आपका पुराना वाला जीमेल रहता है, अगर वो आपको पता है तो फिर नहीं होता है। अगर नहीं पता रहता है आपको पुराना वाला जीमेल, तो फिर जीमेल पासवर्ड वो मांगता है, तो उसके में FRE फंस जाता है, तो फिर आपको गूगल अकाउंट बाईपास करना पड़ेगा। या तो आप किसी दुकानदार के पास जाओगे तो वो कर देगा, और रुपया चार्ज लेता है, या नहीं तो आप खुद से भी कर सकते हो। ऊपर मैं लिंक दे दूंगा, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं आपको FRE बाईपास वीडियो का, जिससे आप वो वीडियो देख करके स्टेप बाई स्टेप फॉलो करोगे उस वीडियो को, फिर आपका गूगल अकाउंट बाईपास हो जाएगा। जब तक इसमें वेट करते हैं, थोड़ा सा वीडियो स्किप कर दे रहा हूँ मैं, थोड़ा फास्ट कर दूंगा अभी, क्योंकि थोड़ा समय ले रहा है। लिखा है प्रोसेस सिस्टम इज नॉट रिस्पॉन्सिंग, डू यू वांट टू क्लोज इट, वेट का वेट पे क्लिक करेंगे, सिस्टम जाना था फंस रहा है, ये खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। J2 है ना, 1GB 2GB रैम रहता है, इसमें क्या देगा आपको।
ये अब खुल गया फ़ोन आपका। यहाँ से आगे जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे। इसमें FRP नहीं फंसा है, FRP इसमें अगर फंसता तो, अगर FRP इसमें फंसता तो फिर वो जो वाईफाई का ऑप्शन आता है उससे आगे जाता ही नहीं है। किसी किसी में फंस जाता है तो उस सिचुएशन में हम उसका भी एक वीडियो बनाए हुए हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से जाके आप देख सकते हो वीडियो को। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, इसी ऐसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर दें चैनल को।